नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्य लकीर के साथ। मैं सोनिया, सत्य लकीर देखने वालों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज आप लोगों के लिए बड़ी खबर मैं ये लाई हूं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एजुकेशन एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स के लिए अपील किया है। उनकी पहली डिमांड ये है कि पावर डेवलपमेंट को अनबंडल किया गया है, जिस वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, उनकी फैमिलीज को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट को अनबंडल की जगह बंडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पावर डेवलपमेंट में 10 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं, इस वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है। 5 लोगों को 15 लोगों का काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज नहीं है, बल्कि 300 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं डिपार्टमेंट ने कॉरपोरेशन के थ्रू जो है वो वैकेंसीज भेजी हुई हैं SSRB को, लेकिन SSRB आगे ये वैकेंसीज नहीं भेज रही हैं। इसलिए वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि SSRB को इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ कि ये सारी वैकेंसीज जो हैं इन सब की नोटिफिकेशन आगे निकाली जाए। आगे की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए सत्य लकीर के साथ।